आपण मानंकु डीएस वर्ल्ड को स्वागत। आज भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजनार शुभारंभ करिछंती। अवसर में सारा भारत वर्ष रे 508 रेलवे स्टेशन रो कायाकल्प परिवर्तन करा जीवो। आज प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजनार वर्चुअल मोड रे शुभारंभ करिछंती। अवसर में मोदी तांकर 9 वर्षर शासन काल मध्यरे रेलवे रो किपरि डेवलपमेंट करा जायछि से विषय में आलोकपात करते सहित आगामी दिन में सारा भारत वर्षे गुड़ी रेलवे स्टेशन अच्छी ताकूरी भाव में डेभलप कर विषय में भाषण में कही प्रथम ही 508 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भाव में निर्माण होवसर में विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री तथा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं विभिन्न राज्यर मंत्री मैंने उपस्थित थे। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों ने करीब करीब 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो पहली वजह। और दूसरी वजह है, पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में
सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान आपण मानकु स्क्रीन ने मध्य केते गुडे रेलवे स्टेशन रो मॉडल आपणकु देखैछि। एही अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना रे एही परि भाबरे एयरपोर्ट डिजाइन रे एही रेलवे स्टेशन गुडीकु निर्माण करा जिवो। ओडिसा रे मध्य 25 टी एही योजना रे नुवा रेलवे स्टेशन रो निर्माण कार्य मध्य हेबो। एही अवसर रे ओडिसा रो विभिन्न रेलवे स्टेशन रे मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य परिवेषण होईछि, जहा कि वर्तमान आपण मानकु मु विजुअल देखैछि, आपण माने देखि पर्थबे। ये होची राजगांगपुर रेलवे स्टेशन रे मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होतबार आपण मानको वर्तमान मु विजुअल देखैछि, आपण माने देखि पर्थबे। अमृत भारत स्टेशन योजना रे ओडिसा रे जो 25 टी रेलवे स्टेशन रो रीडेवलपमेंट कार्य करा जिवो, से स्टेशन गुडी के होची साखी गोपाल रेलवे स्टेशन, मंचेश्वर रेलवे स्टेशन, ढेंकानाल, छत्रपुर, अनगुल, मेरामंडली, बालुगा, लिंगराज टेम्पल रोड, तालचेर रोड, खोर्धा रोड, कंटाबांजी, बरगढ़ रोड, हीराकुद, रेडाखोल, बरपाली, मुनिगुड़ा, बलांगीर, हरिशंकर रोड, भवानीपाटना, खरियार रोड, दामनजोड़ी, जलेश्वर, बारीपदा, बड़बिल, राजगांगपुर भली स्टेशन गुड़ी को मध्य एही योजना रे स्थानित करा जाइछि। एठ मध्य आपण मानकु कहि रखिया पई चाहिबी, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रो पूर्वरु मध्य ऑलरेडी काम सरीबा उपरे वर्तमान कटक एवं पुरी रेलवे स्टेशन रो मध्य कार्य चालीछि। एहाकु बाद देला परे पूर्ण 25 टी जे रेलवे स्टेशन को एही योजना रे आड करा जाइछि। निश्चित भावरे आगामी दिन रे ओडिसा रो रेलवे स्टेशन गुड़ी को एयरपोर्ट परी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होई बाहरिबो। अमृत भारत स्टेशन योजना उपरे आपण मानकर कोन रहिछे मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे। आजर वीडियो रे एतिकी, फुनी देखाबो आउ गोटिए वीडियो रे।